अस्सलाम वालेकुम, आई होप सब खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो अब तक आसानी पहुंच सके। अभी मुझे करना है सबसे पहले नाश्ता। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने जाना है हसन के यहाँ, उधर चलते हैं। उसके बाद फिर मैंने जाना है जी आज जफरवाल, उधर वसीम साहब के भाई का वलीमा है, वो मैंने अटेंड किया ना। मैंने और बिलाल भाई ने, शायद वो आए या ना आए मुझे उनका नहीं पता, लेकिन मुझे उधर जाना है। तो सबसे पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद रेडी होते हैं। रेडी होने के बाद फिर चलेंगे इंशाल्लाह। तो छत पे ये हमारे कमरा है, छत पे इधर से कुछ सन लेना है, वो अंदर रखा हुआ है। ये देखें जी, ये लहसुन हमारा अपना जो लहसुन है वो लेके आए थे, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा इधर रखा हुआ है, ये चारपाई के नीचे भी। ये चारपाई इधर होती तब मैं सर्दियों में इधर सोता था। बेसिकली ये कमरा मेरे लिए था जब मैं कॉलेज जाता था और रात को इधर आके ऊपर स्टडी करता था। उसके बाद फिर सर्दियाँ थी, सर्दियों में मैं पूरा 6 माह इधर ही गुजारे। लड़के आते थे पबजी खेलने के लिए, उनको साथ बिठा के पबजी खेलना, सारी सारी रात खेलते रहना, साथ कंप्यूटर था, तो काफ़ी इंजॉय करते रहे हम, काफ़ी दोस्त थे। तो उसके बाद फिर सब दोस्तों की शादी होगी, मेरी भी शादी होगी, सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। तो ये सिर्फ रह गया अब कुछ चीज़ें रखने के लिए। तो अभी इधर से थोड़ा सा लहसुन लेते हैं, लहसुन लेने के बाद फिर नीचे चलते हैं। ये मैं सब लहसुन उनको दे दिए, घर वाले बनाने लगे आलू, वो भी थोड़े रस में इसलिए मैंने बोला कि वो बना लें आप, तो साथ में थोड़े पराठे बना लें वो खाते हैं। तो टाइम देखते हैं जी, आपके सामने टाइम 11 होने लगे हैं और मेरा नाश्ता अभी शुरू होना, क्योंकि आज छुट्टी थी जिस वजह से मैं लेट उठा। वैसे मैं गालबन 7 बजे 6 बजे नाश्ता कर लेता हूँ। तो सबसे पहले करते हैं नाश्ता, उसके बाद फिर रेडी होते हैं। नाश्ता आ गया जी, आलू साथ में पराठा और पानी। आलू रस मछलियाँ मेरे फेवरेट हैं, तो खाते हैं जी नाश्ता करते हैं उसके बाद फिर। अच्छा टेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता मैंने कर लिया, लेकिन घर वाले कह रहे हैं जी मैंने खाने नान पकौड़े, अब वो लेके आए, ये मैंने नहीं खाना। मैंने कहा चले ठीक है, पता करते हैं, जाते हैं दुकान पे, अगर मिल जाए तो लेके आते हैं। नहीं जी मिल गया, अभी पकौड़े निकाल लें तो ठीक है, वो निकले हुए हैं उधर से लेके चलते हैं। छत पे आऊँ तो नेट नहीं चल रहा, ये पीछे टावर देख रहे हैं आप, ये वाला टावर ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा अभी फिलहाल, बस बिल्कुल ही नहीं आ रही। मैं चाचू के घर गया था, उधर लगा हुआ है सारा सिस्टम इसका, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि इधर भी सर्विस नहीं, शायद ये सड़ गए हैं क्या बना है। फिलहाल वो उसके कॉल की है, कहता भाई मैं सियाल कटवाता हूँ, तो चेक करता हूँ आके। रेडी में हो गया जी, अभी मुझे निकलना है जफरवाल के लिए। वसीम साहब को मैंने कॉल की थी, कह रहे हैं कि कल बंद 2 बजे का टाइम है, 2 से 5 6 दिन 4, तो आप टाइम से पहुँचना 2 बजे, अभी टाइम होगा 1, तो मुझे निकलना, जाते जाते गालबन 2 बज जाएंगे। तो चलते हैं जी अपने भाई को लेके, अशफाक भाई को मैंने कहा कि आप मेरे साथ हैं, कहते नहीं आप जाएंगे अकेले। मैंने कहा चलें ठीक है, अभी जा रहे हैं बाहर। और इतनी ज़्यादा गर्मी है, क्या बताएं भाई आपको, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो पसीने छूट रहे हैं। तो जफरवाल जाते हैं, वैसे ही बंदे का काम हो जाता है, जितनी डस्ट पड़ती है उधर आपको दिखाते हैं, जाते जाते बहुत ज़्यादा डस्ट है, इतना गंदा रास्ता है, बंदा बंदर बन जाता है जाते। मैरिज हाल में मुआवज़ जफर मैरिज है ना, बंदा ना बंदे की साथ। अभी तो मेरा ख्याल है जो वलीमे पे आने वाले लोग हैं वो भी अभी लेट हैं, तो मैं सबसे पहले आ गया हूँ। बिलाल साहब भी आ रहे हैं, उनका वेट कर रहा हूँ। तो वसीम साहब को कॉल की, उन्होंने पिक नहीं की, अभी देखने कब तक आते हैं। ये इधर जना बोतलें ठंडे करने के लिए रखे हुए हैं, और ये सारा सीन ताकि जब रोटी खुलेगी तो ये सारा उधर लगाएँगे बैठे वगैरह। ये देखें तो मुझे अभी प्यास लगी, मैंने भाई बोला भाई पानी दो पीने के लिए। ये जफर मैरिज हाल बाहर सर, ये रहा जो जफर मैरिज हाल, कुर्सियाँ बाहर बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, वो उसका वाशरूम जफर मैरिज हाल। खुश आमदीद, अंदर आपको दिखाते हैं, फिलहाल तो कोई भी नहीं, बिल्कुल खाली सा है, तो अंदर की लुक आपको दिखाते हैं हम। पोशन है लेडीज़ के लिए और ये जेंट्स के लिए, बिल्कुल खाली। और वो सामने दूल्हा दुल्हन के लिए, वो बंदा लेटा हुआ आगे, ठीक है, बिल्कुल खाली सा। मैं भी लेने जा रहा हूँ जी बिलाल साहब को, बिलाल साहब कह रहे हैं मुझे लेने, मैं पैदल आ रहा हूँ, उनको लेने चलते हैं, लेने के बाद फिर हम वापस आएंगे इधर। बिलाल साहब के पास आ गए हैं, वो देखें जा रहे हैं, तो आज इनको खिलाना है हमने वलीमा। और ये कुछ काम इनके पड़े हुए डाचियाँ वगैरह जो पिलर वगैरह बनाते हैं, ये देखें, और वो काम कर रहे हैं अभी भाई, आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। ये देखें जनाब, ये बना रहे हैं पिलर, और अगर आपको ये पूरा दिखाएं
तो ये बना हुआ है, ठीक है, ये सारा कुछ बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा कलमा लिखा जाएगा, ठीक है, अल्लाह का नाम। और ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत दिखे। और भाई ये समझोगे हमारे कारीगर बंदे हैं, ये देखें इनका सारा कमाल, इधर हाथ ला दें भाई, क्या बात है। इन साहब से हुई बात, वो कह रहे हैं कि अभी हम पहुंचे हैं तो गालबन आधे घंटे या पौने घंटा लग जाना, मेरे भी हो सके डेढ़ घंटा लग जाए। फिलहाल मैं और बिलाल सब जाने लगे हैं, कुछ फ्रिज का पता करने, रेट शेट लेके आते हैं, तब तक टाइम भी हो जाएगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ गए हैं जी, अंदर देखते हैं जाके, फ्रिज के रेट पता करते हैं। बिलाल साहब को अंदर भेजा मैंने, कहा जाके पता करो। ये फ्रिज लगी हुई बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा हाल है जी, ये फ्रिज लगी हुई काफ़ी ज़्यादा डबल डबल डोर में। ये देखें ये काफ़ी ज़्यादा स्टॉक भरा हुआ है इनके पास, हायर का। ये देखें कितना बड़ा शोरूम है, वो आगे तक ये एलईडी पड़ी हुई है, ठीक है। ये कुछ इस्त्री वगैरह बाइक्स मिलेंगी, सारा कुछ बहुत बड़ा शोरूम है। एसी इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज़ हो, होल सेल रेट भी इधर से मिलेगी। और किसी ने लेनी हो तो आप सफरवाल में सजा इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ सकते हैं, इधर से आके रिसीव कर सकते हैं। सीम साहब की कॉल आई थी, कह रहे हैं कि भाई सिर्फ आधा घंटा और वेट कर लें तो फिर हम आप, मैं आपको कॉल करूँगा तो फिर आप आ जाना। मैंने कहा चलें ठीक है, जहाँ इतना वेट कर लिया आधा घंटा और सही। आगे जी मैरिज हॉल में ये देखें कुछ तादाद बहुत ज़्यादा है, लंगर खुल गया भाई और चावल आ गया। ये कीमत है सौ खा गए, कीमत दो ही बने अच्छा तो भाई ला जाएंगे है। ले जी अभी हम खाने लगे हैं, खाने के बाद फिर आप सब ले जी। वसीम साहब अभी सबको मिल रहे हैं, हमने मिल रही है उनको, और अभी हम वापस जाने लगे हैं, खा लिया सारा कुछ हो गया। क्या मज़ा आया जनाब, उधर वसीम साहब के भाई की शादी थी तो आज वलीमा था, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया। लेकिन मैरिज हॉल में जब मैं आया तब कोई भी नहीं था, तो फिर बाद में सारे आ गए थे, मुझे एक बजे का टाइम दिया, लेकिन आए वो गालबन 3:30 बजे, तो 4 बजे तक खाना खाना शुरू किया था, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो खैर वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह जरूर करेंगे व्लॉग के साथ। अपने बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, और अपना ड्रेस सारा ख्याल भी रखिएगा। अपने भाई को दिए इजाज़त, अब तक के लिए अल्लाह ने के।